नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गोरखपुर में बीते 5 नवंबर को शाहपुर थाना क्षेत्र में सुबह समय 4 बजे से 5 बजे करीब ही सूर्या कुआं मौजूद HDFC बैंक और ATM में ही अज्ञात व्यक्ति द्वारा घुसकर चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था और तभी ही HDFC बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई से प्रभारी और निरीक्षक शाहपुर से चोरी के अलर्ट की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जिससे चोरी की घटना को अंजाम देने में अभियुक्त को सफलता नहीं मिल पाई। ATM में चोरी की लेकर ही वारदात को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि 5 नवंबर को प्रातः 4 से 5 के बीच में ही थाना शाहपुर पुलिस को एक अलर्ट फोन HDFC के ही हेडक्वार्टर से आया और ATM मशीन में एक अभियुक्त चोरी करने का प्रयास कर रहा है और CCTV के माध्यम से यह अलर्ट हेडक्वार्टर पहुंचा है। उसके बाद तत्काल स्थानीय पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंच गई और व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गया, लेकिन अभियुक्त किसी प्रकार का कोई भी चोरी नहीं कर पाया। इसी तथ्य के आधार पर बैंक के कर्मचारियों द्वारा थाने का एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। फुटेज के आधार पर और स्थानीय पुलिस के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान विकास प्रताप के नाम से कर ली गई है, जो कि शाहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पहचान होने के बाद एक टीम बनाकर दिनांक 10 नवंबर को इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायिक अभियता में ही भेज दिया गया है और अभी और इसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। बाकी अन्य कोई भी आरोपी रहता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिनांक 5 तारीख को प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में थाना शाहपुर की पुलिस को एक अलर्ट फोन आया, जो कि HDFC बैंक के हेडक्वार्टर से था कि उन शाहपुर थाना क्षेत्र में ही उनके ही एक ATM में कोई व्यक्ति द्वारा घुस करके उसमें चोरी का प्रयास किया जा रहा है, जो कि CCTV के माध्यम से हेडक्वार्टर तक उसके अलर्ट पहुंचा है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, उसको लेकर कि वो व्यक्ति वहां से फरार हो गया। डासना मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा पृथ्वीराज चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने से राजपूत समाज में रोष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इसको लेकर राजपूत चेतना मंच द्वारा देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा गया और राजपूत चेतना मंच ने मांग की है कि यदि यह व्यक्ति जो है 48 घंटे के अंदर अपने दिए बयान को वापस नहीं लेता और समाज से माफी नहीं मांगता तो हमें कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आपको बता दें, सहारनपुर से खबर है जहां पर राजपूत चेतना मंच ने ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि अपशब्द को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार जो मंच के अधिकारी हैं वो लगातार माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं, सहारनपुर की खबर है जहां पर डासना मंदिर के ही महंत स्वामी यति नरसिम्हानंद और सरस्वती द्वारा ही पृथ्वीराज चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल करने से राजपूत समाज में रोष जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर राजपूत चेतना मंच द्वारा देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया और राजपूत चेतना मंच ने मांग की है कि यदि ये व्यक्ति 48 घंटे के अंदर अपने दिए बयान को वापस नहीं लेता और समाज से माफी नहीं मांगता तो कोई कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो सहारनपुर से हम जानकारी दे रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर चेतावनी साफ तौर पर नजर आ रही है। उनका कहना है, मंच के अधिकारियों का, कि माफी अगर नहीं मांगी गई तो कठोर निर्णय लेंगे। तो आपको बता दें कि राजपूत चेतना मंच ने मांग की है कि यदि यह व्यक्ति जो है 48 घंटे के अंदर अपने दिए बयान को वापस नहीं लेता है तो समाज से माफी नहीं मांगता है तो कठोर निर्णय लिया जाएगा।
सहारनपुर के डोली खाल में युवक द्वारा अपनी छत से हथियार लहराने का जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके चलते ही क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और माना जा रहा है कि आपसी विवाद के बाद जिस तरह से हथियार लहराकर आंतरिक करने की कोशिश की गई है उसे लेकर कभी भी खूनी संघर्ष किया संभव हो सकता है। इसके द्वारा नीचे किसी को धकेलने और धमकाने की कोशिश भी की जा रही है और उसके परिजन उसे हथियार इस्तेमाल नहीं करने के लिए भी समझाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने और इसके साथ ही उस पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और शीघ्र ही कार्रवाई संभव बताई जा रही है। तो सहारनपुर से खबर है जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिजनों द्वारा युवक को रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि डोलीखाल में हथियार लहराने का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। सहारनपुर के ही डोलीखाल में युवक द्वारा अपनी छत से हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और माना जा रहा है कि आपसी विवाद के बाद जिस तरह से हथियार लहराकर आतंकित की करने की कोशिश की गई है और उसे लेकर सभी जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो घबराए हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी खूनी संघर्ष संभव है ऐसा आसपास के लोगों का कहना है। उसके द्वारा नीचे किसी को धमकाने की कोशिश भी की जा रही है। युवक लगातार अपने छत से किसी को धमकाने की कोशिश कर रहा है। बता दें आपको कि उसके परिजन उसे हथियार इस्तेमाल नहीं करने के लिए समझाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और वहीं स्थानीय पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। शीघ्र ही कार्रवाई संभव बताई जा रही है। खबर बांदा से है। बांदा के मामला नरेनी थाना अंतर्गत ही करतल कस्बे में 3 साल से भाई की तलाश में पीड़ित भटक रहा है और वही अब पीड़ित ने ही स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों से स्थानीय पुलिस मिली हुई है और न्याय की आस में ही पीड़ित अब SP कार्यालय पहुंचा है और इस दौरान पीड़ित ने कहा कि लापता भाई को जान का खतरा है। तो आपको बता रहे हैं बांदा से खबर है जहां पर पीड़ित लगातार पुलिस पर आरोप लगाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि उसके भाई लापता है और उसको जान से खतरा है और बांदा के ही मामला जो है बताया जा रहा है, बांदा के ही नरेनी थाना अंतर्गत करतल कस्बे में का ये मामला बताया जा रहा है। 3 साल से भाई की तलाश में पीड़ित जो है वो भटक रहा है। बताया जा रहा है कि 3 साल पीड़ित लगातार अपने भाई की तलाश कर रहा है। अब पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साफ तौर पर पीड़ित का कहना है कि आरोपियों से स्थानीय पुलिस मिली हुई है। न्याय की आस पीड़ित अब SP कार्यालय पहुंच गया है न्याय की आस लेकर और इस दौरान पीड़ित ने कहा कि लापता भाई को जान से खतरा है। तो बांदा से खबर है जहां पर 3 साल से भाई की तलाश में पीड़ित भटक रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार पीड़ित जो है पुलिस के चक्कर लगाते हुए, पुलिस थाने के चक्कर लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है और न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित का भाई काफी समय से लापता है। अब पीड़ित इतना परेशान हो चुका है कि उसने पुलिस पर भी आरोप लगा दिया है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पीड़ित भी जो है परेशान है और आरोपियों के साथ पुलिस मिली हुई बताई जा रही है। मुरादाबाद रेल मंडल के चंदोसी रेलवे स्टेशन की सीमा से ट्रेन की बोगी में लड़की की संदिग्ध मौत की वारदात में पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP रेल अपर्णा गुप्ता ने गैंगरेप की वारदात को संदिग्ध बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमन मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं सीमन मिलने के आधार पर ही सभी आरोपियों का DNA सैंपल लिया गया है और गंभीर धाराओं में चंदोसी GRP थाने में मामला दर्ज हुआ है और SP रेल अपर्णा गुप्ता ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो मुरादाबाद से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की बोगी में लड़की की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके बाद
अब आरोपियों की चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि अपर्णा गुप्ता एसपी रेल मुरादाबाद से उन्होंने भी अपना बयान दे दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चंदौसी में दिनांक 29/6/2022 को एक पैसेंजर ट्रेन में एक युवती की बॉडी मिली थी, जिसको कि उस समय लेके पोस्टमार्टम और सभी कार्रवाइयाँ और 302 में उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अंदर क्योंकि महिला से संबंधित अपराध था, जघन्य अपराध 302 का था, इसमें जो है एक स्लाइड भी महिला की प्रिपेयर कराई गई थी। उस स्लाइड की रिपोर्ट अभी FSL से प्राप्त हो गई है और इसी के आधार पर कुछ लोग जिन पर हमें शक था, जिनके संबंध पहले पूर्व में रह चुके हैं मृतका के साथ, जो कि कार्य करने के लिए जिनके पास मोटिव हो सकता है, यूपी के पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील की एक ग्राम पंचायत प्रधानपति और विकास खंड में ही तैनात मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के बीच कार्यालय में आपसी कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। और बताया जा रहा है कि अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी ग्राम प्रधानों से कराए गए विकास कार्यों का भुगतान कराए जाने और मोटी कमीशन की डिमांड की जा रही थी, और इसी के चलते ग्राम प्रधानपति और मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी होते होते मारपीट होने लग गई। बता दें आपको कि ग्राम पंचायत में ही गोमती नदी की साफ सफाई अभियान और खुदाई कार्य मनरेगा के अंतर्गत हुआ है और जिसकी लागत लाखों में बताई जा रही है। कराए गए कार्यों को लेकर ग्राम प्रधानपति और लगातार भुगतान को कह रहे थे। आरोप है कि विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारी वीडियो की सांडगांठ के साथ ही भुगतान नहीं किया जा रहा है और इसी के चलते आज APO मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी ने प्रधानपति द्वारा कमीशन ना देने के चक्कर में हाथापाई और गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की है। तो आपको बता दें पीलीभीत से खबर है जहां पर मोटी कमीशन की डिमांड की गई। बताया जा रहा है कि मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक ये मामला चला गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये मामला आखिर इतना विवाद पकड़ा क्यों, इसी के चलते ही ग्राम प्रधानपति और मनरेगा के अतिरिक्त जो कार्यक्रम अधिकारी के बीच कहासुनी हुई है, कहासुनी इतनी बढ़ गई थी कि मारपीट होने लगी और ग्राम पंचायत में गोमती नदी की साफ सफाई अभियान और खुदाई कार्य मनरेगा के अंतर्गत हुआ है और इसकी लागत लाखों में बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि कराए गए कार्यों को लेकर ग्राम प्रधानपति और लगातार भुगतान को कह रहे थे। आरोप है कि विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारी और वीडियो की सांठगांठ के से भुगतान नहीं किया जा रहा और इसी के चलते आज APO मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी ने प्रधानपति द्वारा कमीशन न देने के चक्कर में हाथापाई और गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की है। किसने APO ने मुझसे मारपीट की जब मैंने अपनी बात रखी कि मेरा गोमती का पेमेंट, जनता का जो पैसा फंसा पड़ा है वो निकलवाया जाए, लेकिन APO साहब और BDO साहब रोड टाल मटोल कर रहे हैं कि 5 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना। क्यों कर रहे हैं? ये सब उनकी साठगांठ है, कुछ भी है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें पहली बार JCB चलाना वर्जित था। JCB से कोई काम नहीं करा सकते हो। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल गुप्ता, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि मारपीट की गई है और मोटी कमीशन का भी मामला सामने आया हुआ है, क्या है पूरी खबर, पूरा विस्तार से बताइए। जी, आपको बताना चाहेंगे पूरा मामला माधोटांडा स्थित गोमती उद्गम स्थल से जुड़ा हुआ है, जहां बीते तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे ने गोमती उद्गम स्थल को सवारने का जिम्मेदारी उठाई थी और उसको सवारने का काम किया था। वही जो पूरा जो काम कराया गया, अवरल धारा जो बहाई गई है वहां पर, गोमती की जो अवरल धारा बहाई गई है उसकी खुदाई का जो पूरा काम था वो मनरेगा के तहत कराया गया था, तो उसका जो पेमेंट जो होना है उसको लेकर ये पूरी मारपीट जो है यहाँ पर हुई है। भाई APO और BDO पर जो है सीधा सीधा आरोप प्रधानपति ने लगाया कि उनका जो पेमेंट है, जो काम विकास को लेकर जो काम कराया गया उसका पेमेंट कराने में आनाकानी कर रहे हैं, और भाई उस पर उसी पेमेंट को लेकर जो है कमीशन की मांग की जा रही है कि कमीशन आप दीजिए, उसके बाद आपका पेमेंट होगा। लेकिन प्रधानपति का साफ तौर से कहना है वो कमीशन देने को तैयार नहीं है, इसी वजह से इसी चीज को लेकर इन दोनों में आपस में मारपीट हुई। पहले कहासुनी के बाद मामला इतना बड़ा कि गाली गलौज तक मामला पहुंचा और मारपीट हो गई। ये पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। जी,
जी प्रांजल, इसमें कितना के कमीशन बताया जा रहा है जो घपलेबाजी की गई? कमीशन की तो खैर इसमें बात तो सामने नहीं आई है कि कितना कमीशन मांगा जा रहा है। फिलहाल मामला जो है गोमती उद्गम स्थल से जुड़ा हुआ है, जितनी ही जानकारी जो है अब तक प्राप्त हो पाई है इसी से लेकर जुड़ा हुआ है पूरा मामला है। हालांकि प्रधान पति से दोबारा इस बात को लेकर कोई बात नहीं हो पाई, अगर बात होती तो शायद जानकारी होती, लेकिन उनसे कोई इस बात पे बात नहीं हुई। बाद में ये भी जानकारी मिली कि दोनों में आपस में समझौता भी हो गया। जी प्रांजल, और आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? जैसे कि यहाँ पे तस्वीरों में हम भीड़ देख पा रहे हैं किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पे मारपीट हुई है, उसके बाद आसपास के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनका साफ तौर पर क्या कहना है? साफ तौर से लोगों का कहना ये है कि जिस तरीके से वहाँ पे जो विकास कार्य कराए गए हैं, गोमती उद्गम स्थल जो की यहाँ से पीलीभीत से यहाँ से गोमती का जो है उद्गम हुआ है और जो शहजापुर होते हुए लखनऊ जो है निकलती है, तो सीधा सीधा वहाँ पर जो विकास जो कार्य कराए गए हैं वो यहाँ से 16 ग्राम पंचायतों से होता हुआ शहजापुर बॉर्डर तक जो है गोमती यहाँ से बहाई गई है। तो वहाँ पर जो भी विकास कार्य तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित करे के समय कराए गए थे उन्हीं को लेकर ये पूरा काम कराया गया था, उसी का ये पेमेंट है। पेमेंट नहीं होने के चक्कर में ये पूरा मारपीट का ये पूरा मामला हुआ है। जी प्रांजल जी, क्या ये पूरा मामला पुलिस तक भी पहुँच चुका है? ये पुलिस तक मामला ये नहीं पहुंच पाया, हालांकि पुलिस को मामले की जानकारी है लेकिन पुलिस तक ये मामला नहीं पहुंचा क्योंकि दोनों ही पक्षों में बाद में समझौता हो गया था। जी प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको पीलीभीत से खबर बता रहे हैं जहां पर यूपी के ही पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील की एक ग्राम पंचायत प्रधान पति और विकास खंड में तैनात मनरेगा के ही अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के बीच ही कार्यालय में आपसी कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी ग्राम प्रधानों से कराए गए विकास कार्यों का भुगतान कराए जाने के एवज में ही मोटी कमीशन की डिमांड की जा रही थी और इसी के चलते ग्राम प्रधान पति और मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी होते होते इतनी बढ़ गई कि मारपीट होने लग गई। और बता दें आपको कि ग्राम पंचायत में गोमती नदी की साफ सफाई अभियान और खुदाई कार्य मनरेगा के अंतर्गत हुआ है और जिसकी लागत लाखों में है और कराए गए कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान पति लगातार भुगतान जो है वो करने को कह रहे थे। आरोप है कि विकास खंड के ही कार्यक्रम अधिकारी और वीडियो की साठगांठ से भुगतान नहीं किया जा सका है और इसी के चलते आज एपीओ मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी ने प्रधानपति द्वारा कमीशन ना देने के चक्कर में हाथापाई और गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की है। तो जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जमकर मारपीट की गई है और इसके साथ ही वहां पर लोग जो आसपास के लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और गाली गलौज इतनी बढ़ गई कि लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और मारपीट को शांत करवाने में लग गए और मामला जो था इतना गंभीर हो गया था इसको शांत करवाने में लग गए। वहीं संवाददाता से जब हमने बात करी तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अभी तक पूरा मामला जो है पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुँचा है लेकिन मामला जो था वो अब सुलझा लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।